वंदे मातरम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक और नई अपडेट लेकर। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगी। तो दोस्तों, जो कि इस चैनल पर नए हैं या जो सभी पहले से इस चैनल पर हैं, आप सभी का धन्यवाद करती हूं। उसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे साथ, आप भी जाना चाहते हैं हमारे साथ केदारनाथ धाम की यात्रा को, तो आपके पास ये आखिरी मौका है। अब कुछ ही दिन शेष रह गए, हम हमारी जो लॉटरी है वो अनाउंस करेंगे। उसमें किन किन लोगों के नाम आते हैं, लॉटरी सिस्टम से नाम निकाले जाएंगे उन पांच श्रद्धालुओं के, उन पांच भक्तों के जो कि हमारे साथ जाएंगे केदारनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा को। तो आपके पास भी है दोस्तों ये मौका, आप भी कर सकते हैं ये काम। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, डन हर हर महादेव लिखना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना है एवं वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करना है आपको हमारे साथ बाबा के धाम जाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत कि क्या आया है नया एसओपी में और क्या नई गाइडलाइंस हो चुकी हैं केदारनाथ धाम या चार धाम जाने वाले यात्रियों के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब वो धाम में गर्भगृह की परिक्रमा करके दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, घी का लेपन करना आदि की अनुमति नहीं होगी। बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में गर्भगृह में श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अब कुछ ही दिन शेष हैं यात्रा को, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण चारों धामों में दर्शन कर सके, इस बात पर फोकस किया जा रहा है। नई एसओपी के अनुसार दोस्तों, केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति होगी, लेकिन बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में गर्भगृह के दर्शन भक्तगण नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी सभा मंडप है वहाँ पर किसी भी भक्त को बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई भी भक्त या श्रद्धालु कोई विशेष पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं तो वो वहाँ के आचार्यगणों, पंडितों, पुजारियों के द्वारा ही उनकी पूजा को करवाया जाएगा, और ऐसे भक्तों के लिए, दर्शन के लिए और उनकी पूजा के लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको इस समय के अंतर अंदर पूजा कंप्लीट करनी है। साथ ही दोस्तों, चारों धामों में एक व्यवस्था की जाएगी टोकन की, यानी कि टोकन की व्यवस्था की जाएगी, आप लोग टोकन के द्वारा ही दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए बाहर ही काउंटर बना दिए गए हैं चारों धाम में। चारों धामों में मूर्तियों, घंटियों, आभूषणों व ग्रंथ के स्पर्शों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बाहर से मंदिर के भीतर किसी भी तरह की सामग्री लाने की मनाही होगी। प्रसाद आप वितरण नहीं कर सकते हैं, ना ही आप किसी को टीका लगा सकते हैं। चारों धाम यात्रा के लिए जो सीमित संख्या की बाध्यता थी वो खत्म हो गई है। तो अब सभी जानते हैं कि बहुत ही संख्या में श्रद्धालु चारों धाम की ओर जाएंगे। इसी को देखते हुए यात्रियों को धाम में उपलब्ध व्यवस्था अथवा नज़दीकी होटल, धर्मशाला, आश्रम, होम स्टे, गेस्ट हाउस और पीजी और भी आवासीय सुविधाओं में ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी धाम में आप जा रहे हैं वहाँ पर जो भी एंट्री गेट है वहाँ पर सभी की थर्मल से स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके साथ ही दर्शन के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को एक टाइम मिलेगा, उसमें आपको टाइम, उस टाइम में आपको दर्शन कंप्लीट करने हैं। उसके साथ ही दोस्तों, धामों में सुरक्षित दूरी के साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, यानी कि कोविड के प्रोटोकॉल का, नियम का पालन करते हुए ही दूरी से बैठते हुए भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, एवं कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे आप, ना ही कुछ घंटी वगैरह को छू पाएंगे। तो दोस्तों, बताइएगा जरूर आपको ये अपडेट कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, एक वीडियो और आने वाला है, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, नई अपडेट में। तब तक के लिए आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों,
और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैनल पर पहले से हैं तो चैनल को सहयोग प्रदान करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय माँ गंगे,